राम राम दोस्तों। तो आज मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर फिरोजाबाद में, और आज मैं आपको एक और ऐतिहासिक जगह से रूबरू कराना चाहता हूँ, और जिसका नाम है बालाजी मंदिर। और ये आपका जब आप NH-19 पे आओगे तो ये पड़ता है थोड़ा सा पहले, शिकोहाबाद से थोड़ा सा पहले पड़ता है और आउटर साइड में है। तो जैसे ही आप एंटर करना चाहते हो शिकोहाबाद में, तो उससे पहले थोड़ी नहर पड़ती है, उसके पास ही है मंदिर की ओर जाने के दो रास्ते हैं। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो सबसे पहला रास्ता है। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज वगैरह इस रास्ते में पढ़ते हैं, तो उसके थ्रू यहाँ से जाते हैं। और जब आएंगे तो एग्ज़िट गेट की तरफ से आएंगे, और वहाँ की तरफ में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे मेले जैसा हम बोल सकते हैं सामान लगा रहता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चीज़ें हैं। और यहाँ और इसी रास्ते में मंदिर की ओर जाने से पहले रास्ते में पड़ता है ये शनिदेव का मंदिर, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हो उससे पहले। लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा श्री बालाजी मंदिर की ओर, जिसके लिए हम अपना एम करके आए थे, और मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ पे कौन कौन से मेन मंदिर हैं। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हो तो इसके लेफ्ट साइड में काफ़ी पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है, तो आप अपना वाहन वहाँ पार्क कर सकते हैं। जैसे ही हम मंदिर के वाले रास्ते पर पहुँचे तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पर फूल वगैरह मालाओं से एक तरह से मार्केट बनी हुई है, जहाँ से आप आरती पूजा का सामान ले सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आरती पूजा का सामान ही मिलता है। ये मंदिर के मेन सामने का मेन गेट है, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है। ये रास्ता वही है जहाँ से मैं अभी आया था। तो अभी चलते हैं सीधा मंदिर की ओर, चलते हैं सीधा अपने बालाजी के दर्शन करने। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। आप भी अगर हनुमान जी के भक्त हैं तो मेरे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर लिखना जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो जैसे ही हम अंदर घुसे तो आप देख सकते हैं यहाँ लेफ्ट साइड में जो मंदिर है वो श्री राम दरबार मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी है और वहाँ राम ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो इस मंदिर को हम दिखाएंगे सबसे लास्ट में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से कि एंट्रेंस से हम जैसे ही अंदर आते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर काफ़ी साधु महात्मा जी बैठे हैं, और आप देख सकते हैं काफ़ी एजिड भी हैं। तो जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था यही है वो श्री राम दरबार, और लास्ट में दुर्गा जी का मंदिर है, और राम जी के मंदिर के सामने श्री हनुमान जी उनके परम भक्त जी का मंदिर है। तो ये मेन मंदिर सिर्फ बालाजी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जो आपने देखा कि राम दरबार और माता दुर्गा का मंदिर अभी बना हुआ है, तो चलिए हम करते हैं दर्शन श्री बालाजी मंदिर के। आप चलते हैं सीधा अंदर मंदिर के, जो कि मेन मंदिर है वो यही मंदिर है जिसके सामने लिखा हुआ श्री बालाजी दरबार बूढ़ा का पुल। ये इसलिए जाना जाता है क्योंकि जब हम रास्ते में जिस नहर की बात कर रहे थे वो मतलब उस गांव का नाम है बूढ़ा, इसलिए वहां जो रास्ते में नहर पड़ रही थी वो उसके पास ही पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बूढ़ा का पुल। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो वहां पे अलग अलग लाइन बनी हुई है, और मैं गलती से महिलाओं की लाइन में खड़ा हो गया था, और फिर मुझे बाद में याद दिलाया एक भैया जी ने, तो फिर मैं सीधा सा शॉर्टकट मार के मेल वाली लाइन में लग गया था, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अदरवाइज़ अगर आप आए हो तो एक इंसानियत के नाते स्टार्टिंग से ही लाइन बनती है, तो आप चुपचाप से वहाँ पे खड़े हो जाइए और अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए। तो जैसे ही हम अंदर के मंदिर के अंदर घुसे तो उसके राइट और लेफ्ट साइड में मतलब मेन जो मंदिर का प्रांगण है वो कुछ ऐसा है, और उसके रास्ते में जिस लाइन की हम बात कर रहे थे उसके सामने बहुत सारे घंटे बंधे हुए हैं। ये वही घंटे हैं जिन्होंने अपने मनोकामना कोई मांगी थी और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और ज़्यादातर ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर से, इस हनुमान जी से जो भी मान्यता रखता है और उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो अपना घंटा यहाँ पर चढ़ाता है। तो आपने जो देखा था इतने भारी भारी घंटे जो चढ़े हुए हैं वो मतलब ऐसा माना जाता है कि मतलब जिसकी भी मान्यता पूर्ण हुई उन्होंने अपने घंटे यहाँ के चढ़ा दिए। और यह मंदिर का मुख्य प्रांगण और मुख्य मूर्ति है, यही बालाजी मंदिर के नाम से मशहूर है। तो जैसे ही हम आशीर्वाद लेने के बाद में और एग्ज़िट लेते हैं यहाँ से, फिर आगे से थोड़ा सा राइट में और मतलब मूर्ति टाइप मिलेगी यहाँ पे, ये भी आपको श्री बालाजी महाराज की। और मुख्य मंदिर में से हम आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही मुख्य मंदिर के प्रांगण से बाहर निकलते हैं तो उसका नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ यहाँ से मेल वाली जो लाइन लगी थी उसका एग्ज़िट है, जो महिलाएं माता बहनें लगी हुई थी उसका लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मोस्टली जो मेल पुरुष इसमें लगे हुए थे वही यहाँ से निकल के जा रहे हैं।
तो जैसे ही हम मेन मंदिर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप स्टेयर्स के पास मंदिर देख रहे हो, ये आगे महाकालेश्वर का रास्ता है, मैं इसकी बात कर रहा था। और इस मंदिर की एक मान्यता और है कि आपने सुना होगा कि अगर एक भी व्यक्ति पर अगर आत्मा, प्रेत आत्मा वगैरह आ जाती है, तो वहाँ पे अगर किसी चीज़ का इलाज ना मिले तो आप यहाँ मंदिर आइए। इस मंदिर में आपको इसी जगह यहाँ पे सारी आत्माएं जितने भी आ जाती हैं लोगों पे, वहाँ उतारा जाता है, ऐसा मान्यता है। अभी यहाँ पे ऐसा एक भी केस देखने नहीं मिला है। तो जैसे ही हमने इस मंदिर में भी अंदर गए, वहाँ पे हमको मना कर दिया गया, बोला कि मंदिर प्रांगण में यहाँ पे फ़ोटो कैमरा वगैरह लेना मना ही है। तो ऐसा हर मंदिर का रूल होता है, पर जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वहाँ तक दिखाऊँगा। तो जब इसके राइट साइड में जिस रास्ते की बात कर रहा था, वो ये सीधा जाता है महाकालेश्वर मंदिर के पास, जो कि श्री भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो अब चलते हैं श्री महाकालेश्वर मंदिर के अंदर और दिखाते हैं आपको महाकाल जी के दर्शन। तो जैसे ही हम आशीर्वाद लेने के बाद महाकालेश्वर अंदर के पास गए, वहाँ आप देख सकते हो ये महाकालेश्वर जी का पूरा परिवार जी का सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और इसकी भी अलग अलग कहानियाँ हैं। इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लंबा होता जा रहा है। फिर जैसे ही हम महाकालेश्वर जी के आशीर्वाद लेने के बाद बाहर आते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग घूमने आए थे, जितने भी भक्त लोग हैं, वो अपने अपने फ़ोन में सेल्फी लेने में अपने मशगूल हैं, जो आप देख ही सकते हो। यहाँ पे सब ऐसे ही है, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही सभी कर रहे हैं, कि जो आए बस, मतलब जिस काम के लिए आते हैं उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, बस फ़ोटो कैमरा मेमोरीज पे आदमी आजकल ज़्यादा विश्वास करता है। खैर चलिए, सबकी अपनी अपनी परंपरा है। और जैसे ही हम महाकालेश्वर मंदिर से आशीर्वाद लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, आगे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ एक और मंदिर का प्रांगण बना हुआ है, जहाँ पर श्री गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर जो आप पत्थर देख रहे हो जिस पर मार्बल लगा हुआ है, यहाँ ऐसी मान्यता है जो आप 1 रुपये का सिक्का अगर इस पर लगाओगे, अगर आपका मन सच्चा है, दिल सच्चा है और मनोकामना सच्ची है, तो आपका सिक्का चिपक जाता है, अन्यथा नहीं चिपकेगा। तो आप भी अपना लक यहाँ पे आजमा सकते हो, आप भी अपने दिल को आजमा सकते हो कि आपका दिल कितना साफ है, ठीक है। तो यहाँ पे साधु महात्मा बहुत ज़्यादा तादाद में बैठे मिलते हैं यारो, मतलब भारत में ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है, कि मानता हूँ कि अपने पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर अपने माता पिता को छोड़ना बहुत ही गलत बात है। ये एक छोटा सा मंदिर अभी तैयार होने जा रहा है, यहाँ पे पहले एक स्वामी जी रहा करते थे, महंत गणेशपुरी जी महाराज, वो जब एक्सपायर कर गए तो उनकी यहाँ पे मूर्ति का रख दिया गया है। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये आप रास्ता देख रहे हो वो मेन मंदिर की तरफ जहाँ से हमने एंट्रेंस लिया था, हम आगे वापस से श्री राम दरबार की तरफ। और दोस्तों, मैं आपको इस मंदिर की मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि ये यहाँ की आस्था है कि अगर जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आप जो देख रहे हो झंडे के रूप में ये, तो लोग यहाँ पे आके इसे चढ़ाते हैं, जिसे हम नेजा बोलते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आप मेरे वीडियो पर ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं श्री राम दरबार वापस से, और चलते हैं जहाँ से हमने अपनी आज की आस्था शुरू करी थी। अब हमारे दर्शन हो चुके हैं बालाजी महाराज के, अब हम चलते हैं उनके स्वामी जी महाराज राम जी के मंदिर के अंदर चलते हैं और उनका दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग बली। तो आप जैसा देख पा रहे हो, वहाँ पे राम लक्ष्मण सीता मैया का मूर्ति बनी हुई है, काफ़ी सुंदर और रमणीय है। तो हमने यहाँ पे भी आशीर्वाद लेने के बाद हम एग्ज़िट लेते हैं और थोड़ा सा बाहर जाते हैं, और आप देख सकते हो ये जो मंदिर बना हुआ है, श्री दुर्गा माता का मंदिर, वो अभी बना है, अभी ऑलमोस्ट इसको ज़्यादा दिन बने नहीं हुए हैं, 4 से 5 महीने हुए हैं। मैं जब लास्ट ईयर आया था तो अभी इसका काम होना शुरू हुआ था, लेकिन काफ़ी जल्दी काम करा दिया गया है। तो चलते हैं माता जी के पास और कुछ अपनी जो आस्था है उसको रखते हैं, उसके बाद में हम चलेंगे अपना बाहर का मेला दिखाने के लिए आपको। और आज का दिन जो हमारा आशीर्वाद लेने का काम था, वो हो चुका है यहाँ पर ख़त्म। तो मैं आपको ले चलता हूँ सीधा मार्केट की तरफ, वहाँ बढ़ते हैं सीधा मार्केट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की मार्केट कैसी मशहूर है और क्या क्या मिलता है। हाँ तो दोस्तों, अब हमने ले लिया एग्ज़िट, अब चलते हैं सीधा हम मार्केट की तरफ जहाँ से हमने आज की आस्था वाली जर्नी शुरू करी थी। तो आप यहाँ पे जितनी भी मार्केट देख रहे हो, साइड में दुकानें हैं,
वहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जूता चप्पल रखना चाहते हैं तो आप इन्हीं शॉप के अंदर रख सकते हैं और ये आपको फ्री में ऑफ़र करते हैं। तो आप जैसे अपने हिंदू में जो आस्था है कि जब मंदिर के अंदर जाते हैं तो जूता चप्पल पहन के नहीं जाते हैं, तो आप मंदिर में रख जाने से पहले आप इन शॉप पर रख सकते हो और इसका ये एक भी पैसा नहीं लेते हैं। पर यहाँ का प्रसाद थोड़ा सा महंगा है और ज़्यादा बात नहीं करते हैं और आपको यहाँ का सामान दिखाते हैं, तो आप देखते रहिए यहाँ का सामान। हल्की मुल्की शॉपिंग करने के बाद में अब हम चलते हैं थोड़ा खाने की तरफ। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मालपुए बहुत ही ज़्यादा तादाद में बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी हैं। तो अगर आप सुबह सुबह आते हो मंदिर में तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि खाली पेट आइए और यहाँ पर आके आप नाश्ता करिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अपना पेट पूजा करने के बाद में हम पहुँच चुके हैं सीधा जो एग्ज़िट वाला रास्ता था, जिसको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मंदिर की ओर जाने के दो रास्ते हैं, और जिससे हम एंट्री वाला रास्ता था उससे गए थे। तो आते वक्त जो एग्ज़िट वाला रास्ता है, जहाँ पे आपको मार्केट एग्जीबिशन मिलता है, वो यही रास्ता है, वो सीधा आपको हाईवे पे पहुँचा देगा सीधा आगे जाके। यहाँ से हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 80-90 मीटर दूर है बस, 80-90 मीटर, कोई ख़ास दूर नहीं है। तो ये रास्ता पूरा है जिस पर पूरा का पूरा मेला लगा हुआ है। यहाँ पे छोटी मोटी दुकानों के साथ जो कारोबार कर रहे हैं उन्होंने पूरी रास्ते को घेर रखा है। तो अगर आप कार वगैरह से आना चाहते हो तो एंट्री वाले रास्ते से आइए। एंट्री वाला रास्ता वही है जिस रास्ते पे कॉलेज वगैरह और मैरिज हाउस वगैरह हैं, और वहाँ पे आपने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया था शुरू में कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा क्या वहाँ पर भीड़ ही नहीं है। तो आप वहाँ पर आसानी से पार्किंग की जगह भी बनाई गई है, तो वहाँ पर आप आसानी से पार्किंग भी कर सकते हैं अपनी गाड़ियों की और अपने गाड़ियों को सेफ़ रख सकते हैं। इस रोड पर काफ़ी भीड़ रहती है, तो आप अपने हिसाब से जैसा आपको सुविधाजनक लगता है आप ऐसा करिए। फ़िलहाल मैं आपको ओपिनियन बता सकता हूँ और आज की आस्था की यात्रा यहाँ पर ख़त्म होती है। जय श्री राम, जय हनुमान।